अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आज नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री यहां आते थे तो गला फाड़फाड़ का विकास की बात करते थे, मगर विकास तो हुआ नहीं, अब ये राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा जीतनराम मांझी ने, आप भी सुनिए। देखिए, दैव दैव आलसी पुकारा, जब विकास में फेल हो गए 2014 में आकर के बहुत गला फाड़ फाड़ कर कहे थे कि हिंदुस्तान का विकास करेंगे, अब विकास का मुद्दा इनका फिसड्डी हो गया तो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, और राष्ट्रवाद का नारा और सेना को यूज़ करते हैं, सेना का कमीशन के दृष्टिकोण से भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और राष्ट्रवाद ये क्या सिखाएंगे, जो उनके आरएसएस के कैंप में आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरता है तो फिर कैसा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता इस बात को समझती है, इसीलिए इनका सुखड़ा लोग साफ करने जा रहे हैं। आप लोगों का क्या एजेंडा है? हम लोग विकास का, शुद्ध विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये करेंगे, सामाजिक न्याय का, आरक्षण का, संविधान बचाओ, ये सब की बात हम लोग करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, जिसको की जनता तवज्जो दे रही है। तो सुना, जीतनराम मांझी ने साफ रूप से कहा विकास तो हुआ नहीं, जिस तरह जो प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का गान गा रहे हैं, मगर आरएसएस के मुख्यालय पर आज तक भारतीय तिरंगा फहराया नहीं। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, एलआर न्यूज 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।